मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं प्रैक्टिस टाइम के. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट द प्राइस लिस्ट गिवन. कि एक प्राइस लिस्ट हमें दे रखी है, उसको देखो एंड आंसर, एंड आंसर करो. ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, अब देखो, अब हमें जो लिस्ट दे रखी है उसमें क्या है, आइटम है और उसका प्राइस है. जैसे आइटम में क्या है, शुगर है. शुगर का प्राइस है ₹24 पर केजी, मतलब एक 1 केजी का जो प्राइस है वो शुगर का कितना है, 24 है. ऑयल का ₹75, ठीक है, ये 1 लीटर का है. राइस का ₹18 पर केजी, ये 1 केजी का है. पटेटो का 1 केजी का कितना है, ₹12 है. सोप जो है, साबुन, देखो एक पीस साबुन तो पीसीज में आते हैं, है ना, तो इसलिए एक पीस का जो है प्राइस वो कितना है, ₹20 है. अब हमसे इन इस टेबल के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 केजी शुगर. कि जो 3 केजी शुगर है उसकी कॉस्ट क्या होगी. अब देखो, 1 केजी की कितनी थी, ₹24 थी, तो 3 केजी की मतलब 3 बार हम 24 को ऐड कर देंगे तभी तो 3 केजी की निकलेगी. तो हम क्या करेंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो 4 4 4, 3 टाइम है तो 4 3 12 भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे सीधा ऐड कर सकते हैं, 4 और 4 8 एंड 4 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 कैरी इस 2 पे लगा लो, किसी भी 2 पे लगा लो, 3 हो गया, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 72 आ गया. ठीक है, अब हमने ये क्या किया है, प्लस करके किया है 24 को. एक दूसरा तरीका भी होता है इसको करने का, कि 24 को 3 से क्रॉस कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो भी क्या आंसर आ जाएगा, 72 आ जाएगा. ठीक है, और ये क्या आए हैं, रुपीस आए हैं, RS लिख सकते हैं, और अगर रुपीस का सिंबल लगाते हैं तो वो आगे लगाते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पीसेज ऑफ सोप. अब देखो, सोप एक पीस 20 का है ना, तो 5 पीसेस कितने के हो जाएंगे, 20 20 को 5 टाइम्स ऐड कर दो, या फिर क्या करो, 20 क्रॉस 5 कर दो, क्योंकि 5 टाइम क्या है, 20 20 है, और 5 टाइम 20 का मतलब क्रॉस, 5 टाइम्स का मतलब क्रॉस, पिछली क्लास में बताया था. ठीक है, 5 2 10, पहले 5 0 0, 5 2 10 ये आ गया, ये क्या आ गए, रुपीज आ गए. ओके, ये आंसर आ गया. बट इज द कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑयल एंड 1 केजी राइस. क्या पूछ रहा है, 2 केजी ऑयल, ऑयल का प्राइस कितना है, 1 केजी का, 1 लीटर का 75 है. ठीक है, अब 75 यानी कि 2 टाइम्स, क्योंकि देखो 2 केजी पूछा है ना, 2 केजी में 2 बार 75 75, और एक 1 केजी राइस है. राइस का प्राइस कितना है, ₹18, तो यानी कि 1 केजी के लिए यहाँ पे ₹18 ऐड कर देंगे और तीनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, अब देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का 8. ठीक है, और 1 कैरी गया, 1 कैरी कहीं पे भी लगा लो, इस पे लगा लो, 1 और 1 2 हो गया, 2 हो गया, और ये 7 और 2 9, 9 और 7 16, यानी कि ₹168 आ गया. ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 केजी पोटैटोज. पोटैटोज आएगा यहाँ, ESO लगा दो. ठीक है, ओके, अब देखो, बट इज द कॉस्ट ऑफ 2 केजी पोटैटोज. अब 1 केजी का कितना प्राइस है, ₹12, तो 2 केजी यानी कि 2 टाइम्स 12 12, भाई 1 केजी का 12 है, तो 2 केजी का क्या, 2 बार हमें 12 12 ऐड करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो क्या कर देंगे, 2 और 2 4, और 1 एंड 1 2, ये आ गया ₹24. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, तो ये इस तरह से किया हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखिए, द फॉलोइंग मार्क्स स्कोर्ड बाय संजय इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2 टर्म्स. ठीक है, ये नोटबुक में करना है, कॉपी में करना है, ये वर्कबुक में नहीं करना है, वर्कबुक में कर सकते हैं लेकिन कॉपी में जरूर करना है. उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस.
ठीक है, आप देखो मैथ्स में उसके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, 83, साइंस में 73, इंग्लिश में 85, हिंदी में 67, सोशल साइंस में 88, सेकेंड टर्म में मैथ्स में 94, साइंस में 78, इंग्लिश में 74, हिंदी में 70 एंड सोशल में 76. अब क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट टर्म के लिए इसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म का ऐड कर लेंगे और सेकेंड टर्म का भी ऐड कर लेंगे. 3 और 3 6 हो गया, 6 and 5 11, 11 and 7 18 and 8 26, 26 का 6 लिख दिया. ठीक है, और 2 कैरी गया, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, एक सेकेंड एडजस्ट हो रहा है. 2 and 8 10, 2 कैरी गया तो 2 and 8 10, 10 and 7 17, 17 and 8 25, 25 and 6 31, 31 and 8 39 आ गया. ये आ गया 396 आ गया. ओके, अब नेक्स्ट पे देखो इसमें कितना आ रहा है, 4 and 8 12, 12 and 4 16, 16 and 6, 16 and 6 कितना हो गया, 22, 22 का 2, 2 कैरी. ठीक है, 2 and 9 11, 11 and 7 18, 18 and 7 25 and 7 32, 32 and 7 39, 392 आ गया. ओके, आप देखो अब इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. ठीक है, टोटल मार्क्स, अब अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर दें तो यहाँ टोटल निकाल सकते हैं इन दोनों का, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का. तो देखो 6 and 2 8, ठीक है, और 9 and 9 18, 18 का 8 1 कैरी. 3 पे कैरी लगा लो, 3 and 1 4, 4 and 3 यहाँ पे भी 3 है. ठीक है, 4 and 3 7, 788 आ गया टोटल. तो टोटल मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म कितने आ गए, 788 आ गए. यहाँ पे लिख सकते हैं, इन विच टर्म डिड ही स्कोर बेटर. अब देखो कौन सी टर्म में उसने अच्छा परफॉर्म किया है. अब देखो यहाँ पे 396 टोटल है, यहाँ पे 392 है, तो बेटर तो इसी में है, इसमें ज्यादा मार्क्स हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म. इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म. ठीक है, इन फर्स्ट टर्म ही स्कोर बेटर. हम क्या लिखेंगे, इन, अगर पूरा आंसर लिखना है तो ये लिख सकते हैं, इन फर्स्ट टर्म ही स्कोर्ड बेटर. क्योंकि देखो डिड है तो सेकेंड फॉर्म लगे स्कोर की, सेकेंड फॉर्म स्कोर्ड आ जाएगा. इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन सेकेंड टर्म. अब देखो सेकेंड टर्म में किस में उसने, कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं. देखो मैथ्स में किए ना, मैथ्स दिखाई दे रहा है 94 और सब में कम है, तो क्या लिखेंगे हम, मैथ्स. इन मैथ्स सब्जेक्ट ही स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स इन द सेकेंड टर्म. ओके, पूरा अगर आंसर ऐसे लिखते हैं तो, पर ऐसे भी चल सकते हैं आंसर्स यहाँ पे. इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द मिनिमम मार्क्स इन फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में सबसे कम मार्क्स उसके हिंदी में आए ना, देखो 67, तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी. इन हिंदी सब्जेक्ट ही स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स इन फर्स्ट टर्म. कैसे लिखेंगे, अगर पूरा आंसर लिखना है तो ध्यान से सुन लिया करो, वैसे वैसे लिख दिया करो फिर. इन हिंदी सब्जेक्ट ही स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स इन फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सिक्वेंसेस और पैटर्न्स. ये कुछ सिक्वेंसेस दी हुई हैं, कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, हमें कंप्लीट करने हैं. देखो पहला इजी सा है, 360, उसके बाद 340, उसके बाद 320. क्या पता चल रहा है कि 2020 डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, डिक्रीज़ हो रहे हैं. तो 360 के बाद 340, फिर 320, अब क्या आएगा, 300 आएगा. अगर 20 डिक्रीज़ करेंगे तो, माइनस करेंगे तो 20 320 में से. अब 300 के बाद 20 घटा देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 280. फिर 20 माइनस करेंगे, 260, 240, ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वाली में देखो, 200, फिर 170, 140, कितना माइनस हो रहा है, 30 हो रहा है माइनस. क्योंकि देखो 200 में से 30 गया तभी तो 170 आएगा, फिर 170 में से 30 गया 140 आएगा. अब 140 में से 30 गया तो 110, और अगर 110 में से 30 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80. ठीक है, 80 में से 30 गया तो कितना,
50, ठीक है, 50 में से 30 गया तो 20, इस तरह से करना है ये, ठीक है। ये सीरीज बन गई है, पैटर्न बन गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के बाद 6 आ रहा है ना, और फिर 13 आ रहा है, फिर 11, फिर 18। अब इस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है। इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब इसमें देखो एक सीक्वेंस ये चल रही है, ये ऐसे अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ऐसे नीचे वाली में भी देखो, 6 में अगर 5 ऐड किया तो 11 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 11 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा उसका आंसर, 11 में 5 ऐड किया तो 16, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। उसके बाद 18 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो ऊपर से देखो ऐसे चलेगा, 18 में 5 ऐड किया तो कितना, ठीक है, 23 आ जाएगा। उसके बाद 16 में नीचे से इसमें 5 ऐड करो, 16 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया, मतलब एक छोड़ के एक हमें देखना है, ठीक है। अल्टरनेट चल रहा है ना ये सीक्वेंस। या एक दूसरा तरीका ये भी है कि 8 में से 2 गया 6, फिर 6 में कितना ऐड किया, 7, ठीक है, तो 13 हो गया। 13 में से 2 माइनस किया 11, फिर 11 में 7 ऐड किया 18, ये भी हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब ये अब आगे क्या आएगा देखो, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना, 21, फिर 23 में 5 ऐड करेंगे 28। एक तो तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा भी मैं बता देती हूँ, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। दूसरा तरीका क्या है देखो, 8 में से पहले 2 माइनस किए तो 6 आ गया, फिर 6 में 7 ऐड किया तो 13 आ गया, फिर 13 में से 2 एक बार 2 माइनस कर रहे हैं, एक बार 7 ऐड कर रहे हैं, एक बार 2 माइनस कर रहे हैं, एक बार 7 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब 13 में से 2 माइनस किया 11, 11 में 7 ऐड किया 18, 18 में से 2 माइनस किया 16, 16 में 7 ऐड किया 23, 23 में 2 माइनस किया 21, 21 में 7 ऐड किया 28। इस तरह से भी सीक्वेंस बन सकती है, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, ये इजी है। 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो गया, और 4 में 3 ऐड किया तो 7 हो गया। अब क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। देखो हर बार एक एक इंक्रीज हो रहा है, ऐड करने वाली टर्म जो है, ऐड करने वाली वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। पहले 1 में 1 ऐड किया तो 2, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में अब क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में क्या ऐड करेंगे, 5, 16 हो जाएगा, 5 के बाद 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 16, 22 हो जाएगा, फिर 7 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो फिर से देख लो एक बार, 1 में 1 ऐड किया पहले 2 हो गया, 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 3 ऐड किया 7 हो गया, फिर 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 7 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8 और 13 लिखा हुआ है। अब इसमें भी देखो क्या पता चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 1 और 2 को ऐड करके 3 बन गया, फिर इन मतलब हर एक नेक्स्ट में जो लिखा जा रहा है ना, पहले 2 को ऐड करके लिखा जा रहा है, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8, अब ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 और 13 21, अब 21 और 13 को ऐड करेंगे, है ना, तो देखो 3 एंड 1 4 हो गया, और 1 एंड 2 3 हो गया, 34 हो गया, ओके। अब 34 में 21 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 एंड 1 5, 2 एंड 3 5, 55 आ जाएगा, 55। अब 55 में 34 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एंड 5 9, और 5 और 3 8, 89 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में दो पहले वाली टर्म को ऐड करते जा रहे हैं, फिर से देखो 1 एंड 2 में, 1 को 2 में ऐड किया तो 3 आया, 2 को 3 में ऐड किया तो 5 आया, 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आया, 8 और 5 को ऐड किया तो 13, 13 और 8 को ऐड किया तो 21, 21 और 13 को ऐड किया तो 34, 34 और 21 को ऐड किया तो 55, 55 और 34 को ऐड किया तो 89। इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना ये, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न आर दीज। 3 एंड 5 को पहले ऐड किया, ठीक है, 8 आया लेकिन 9 नहीं आया,
लेकिन हमें पता चल रहा है कि 9 इसमें 1 ऐड करने से आता है, तो 3 और 5 में पहले 3 और 5 को ऐड किया और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। अब नेक्स्ट में भी यही करना है, 5 और 9 को ऐड करने से 14 आया, 14 में 1 ऐड किया तो 15 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। मतलब क्या है, इसमें भी उसी की तरह ऐड हो रही है, टर्म दो ऐड हो रही है लेकिन साथ में 1 भी ऐड हो रहा है, एक एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है। तो 15 और 25 को ऐड करेंगे तो 40, लेकिन 1 और ऐड करना है तो कितना 41। ठीक है, अब 25 और 41 को ऐड करेंगे तो कितना, अब देखो 5 एंड 1 6 और 2 एंड 4 भी 6, 66, लेकिन 1 ऐड करना है तो 67। अब फिर से 41 एंड 67 को ऐड करेंगे, 7 एंड 1 8 और 4 एंड 6 10 हो गया 108, लेकिन 1 और ऐड करेंगे तो 109। इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगी, ये इसके आंसर आ गए। ओके नेक्स्ट देखो, 2 2 जो 4, अब ये टेबल नहीं है 2 की, लेकिन क्या चल रहा है देखो इसमें, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, ऐसे चल रहा है। अब 16 2 जा, अब 16 की टेबल अगर आती है तो वेरी गुड, 16 2 जा 32, नहीं तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब 32 जा 64 होता है, मेरे को 32 की टेबल आती है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको क्रॉस करके देख सकते हो आप, 32 को 2 से क्रॉस किया तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 64 आ गया, 64 लिख दिया। अब 64 को फिर से 2 से, हर बार 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ये, 64 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 128 आ जाएगा, ये आप करके देखना, ठीक है पता चल जाएगा आपको। क्रॉस करोगे तो देखो यहाँ पे क्रॉस करके दिखा देती हूँ, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 128 ही आएगा ना, ये आप खुद करके देखना। ओके मल्टीप्लिकेशन आती है ना सबको, अब 120 और नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी आपको मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है ये आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना। 128 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 256 आता है वैसे इसका आंसर, लेकिन अभी आपको करके दिखाती हूँ, 2 8 जा 16, ठीक है 1 कैरी गया, यहाँ पे कैरी के लिखते हैं, 2 2 जा 4 एंड 1 5 और 2 1 जा 2, 256 आ जाएगा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें लिख देने होते हैं, ये रफ में काम करना होता है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे हमें नहीं करना होता, इसको एक रफ पेज ले लो, मैथ्स में रफ पे करना चाहिए जो हम अदर कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस पैटर्न थे जो हमने किए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।